इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जिन चार पॉइंट्स में जो हमने विभाजन किया था डायरी में लिखने के हिसाब से, जिसमें हम पहले मॉडल रिसाइटेशन, सेकंड मॉडल रिसाइटेशन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चौथे कॉलम में जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसके अंतर्गत हमें जिस पॉइंट का हमने चयन किया है उसका टाइटल लिखना होता है, जो सेकेंड राउंड में भी लिखना होता है और लास्ट में इमिटेशन रिसाइटेशन के अंतर्गत भी लिखना होता है, क्योंकि संपूर्ण एक्टिविटी इन पोएम्स इस पोएम पर ही आधारित होती है। इमिटेशन रिसाइटेशन द पेपर टीचर विल से द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम वन बाय वन विथ करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स। यानी छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है और आदेश देता है कि क्रम से, यानी कंप्लीट कविता वो एक बच्चे से नहीं पढ़वाता है, आगे पीछे किसी भी क्रम के अनुसार, यानी वन बाय वन क्रम नहीं होना है यहाँ पर, आगे पीछे कहीं से भी बच्चे को उठाया जा सकता है और पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन पढ़ते समय जो कविता के अंतर्गत उतार चढ़ाव या लय में या शब्दों के बोलने में अगर कोई गलतियाँ होती है तो उसे वह बोलते समय बच्चों की सहायता से सुधारने का प्रयास करता है और बच्चे उसे उसी उनके आदेश के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। ये सारी गतिविधि कविता पर आधारित होती है। आगे के लेखन कार्य को समझने के लिए हम अगले वीडियो पर जाएंगे। धन्यवाद।